समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कानपुर IMA कानपुर में एंटीबायोटिक के अंधाधुन इस्तेमाल पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें IMA अध्यक्ष अर्चना भदौरिया तथा नंदिनी रस्तोगी ने एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में जानकारी दी। मुख्य वक्ता नंदिनी रस्तोगी ने बताया, एंटीबायोटिक ग्रीक शब्द है जो एंटी और बायोटिक दो शब्दों से मिलकर बना है। एंटी का मतलब प्रतिरोध, बायोटिक का मतलब बैक्टीरिया होता है। एंटीबायोटिक का शाब्दिक अर्थ बैक्टीरिया के विकास को बाधित करना होता है। उन्होंने बताया कि इस समय एंटीबायोटिक का प्रयोग हद से ज्यादा होने लगा है, जिसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरियाओं ने एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। यदि ऐसा इस्तेमाल होता रहा तो एक दिन एंटीबायोटिक बेअसर साबित होने लगेगी। इसलिए चिकित्सक को चाहिए कि वह एंटीबायोटिक का प्रयोग सोच समझकर करे और जहां जरूरत हो वहीं करे। बैक्टीरिया की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का सबसे बड़ा प्रभाव भविष्य में भारत पर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक का प्रयोग भारत में ही होता है। एसोसिएशन कानपुर ब्रांच के साथ हमारे जो चिकित्सक हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, फैमिली फिजिशियन हैं, उनको जो एंटीबायोटिक दवाएं हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक दवाएं हैं, उनका सही इस्तेमाल करना कैसे किया जाए, ये हम अपने चिकित्सकों को बताएंगे आज। क्योंकि आप सबको मालूम है कि एंटीबायोटिक जो है जीवन रक्षक दवाएं हैं, लेकिन अगर हम उनका सही इस्तेमाल नहीं करते, सही मरीज में, सही डोज में, सही दवा, सही बीमारी के लिए, पूरे समय के लिए, पूरे डोज में अगर नहीं देते हैं, तो जो बैक्टीरिया हैं जिनके लिए हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो ख़त्म नहीं होते, वो इरेडिकेट नहीं होते, जिसकी वजह से रिलैप्स और रिकरेंस होता है। जो कीटाणु हैं वो ड्रग रेजिस्टेंस हो जाते हैं और फिर छोटी छोटी माइनर इलनेसेस भी बहुत जानलेवा हो जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एंटीबायोटिक्स का मिसयूज ना करें, उसका सही इस्तेमाल करना अपने चिकित्सकों को बताएं। मैडम स्पीकर हैं, इससे ओवर द एंटीबायोटिक यूज एंड एडमिश के ऊपर हम लोग एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बिना किसी पर्चे के दवाइयाँ ले लेते हैं, अननेसेसरी दवाइयाँ खाते हैं, ज़रूरत नहीं भी होती है तो भी बस मेडिकल स्टोर से दवा लेके खा लेते हैं, तो वो दवाइयाँ कितनी नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स अगर ओवर यूज़ करते हैं या मिसयूज़ करते हैं तो कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, उसके बारे में मैडम डिटेल बताएँ। तो आज की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम सबको मालूम है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो जीवन रक्षक दवाएं हैं, लेकिन अगर उनका सही इस्तेमाल नहीं होता, कहते हैं एंटीबायोटिक को सही तरीके से, सही व्यक्ति को, सही दवा सही समय से सही डोज में जब दी जाएगी तभी वो जीवन रक्षक होगी। कानपुर से भानु प्रताप की रिपोर्ट। समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।